नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग सब कुशल मंगल होंगे। और आज की वीडियो में मैं आपको एक चीज़ के बारे में बताऊंगा जिसको हम बोलते हैं पावर बिन। द विंची रिजॉल्व में पावर बिन जो है एक वो बहुत ही चमत्कारी फीचर होता है और वो आपका बहुत सारा टाइम बचा सकता है एडिटिंग के दौरान। और मेरे को पता है बहुत सारे लोगों को इसके यूज़फुलनेस के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पावर बिन हमारे लिए क्या क्या कर सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक पे तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना ज़रूर ज़रूर ज़रूर, नहीं भूलिएगा मत, मतलब एंड तक ज़रूर देखिएगा। ओके, और यार इस वीडियो को लाइक भी कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों, जो लोग फ्रीक्वेंटली वीडियो एडिट करते हैं उनको बहुत सारी ऐसे एसेट्स होते हैं या ग्राफिक होते हैं जो अक्सर अपनी वीडियो में यूज़ करने की आदत होती है। फॉर एग्जांपल, वीडियो का इंट्रो हो गया, आउट्रो हो गया, सब्सक्राइब बटन हो गया, कुछ लोग ब्लैक बार यूज़ करते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया हैंडल के ग्राफिक यूज़ करते हैं। तो इनमें क्या होता है कि आपको जब भी आप एक नई वीडियो एडिट करेंगे, आप आइटम तो वही यूज़ करें लेकिन हर बार आपको वो आइटम इम्पोर्ट करना पड़ता है, जिसमें आपकी टाइम बर्बाद होता है। DaVinci Resolve 16 में एक फीचर है जिसको हम पावर बिन बोलते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये फीचर ऑफ होता है, तो इसको ऑन करने के लिए आपको व्यू में जाके शो पावर बिन पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे ये पावर बिन का ऑप्शन आ गया है। अब एक बार ये इनेबल हो गया तो मास्टर पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ऐड बिन करेंगे और यहाँ पे आप अनलिमिटेड बिन्स को ऐड कर सकते हैं, उनके जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। एक बार जब आपने ये बिन ऐड कर लिया तो इसमें आप अपनी वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, जैसे कि इंट्रो या सब्सक्राइब बटन, वो जो भी कुछ है ग्राफिक, वो सब आप इसमें इंपोर्ट कर लेंगे। अब इंपोर्ट करने के बाद अच्छी बात ये है कि ये आपका सेव हो गया DaVinci Resolve के अंदर, मतलब कि अब मैं इस प्रोजेक्ट को बंद कर दूंगा और अब मैं किसी दूसरे प्रोजेक्ट में जाऊंगा और वहां पे जाके जब मैं पावर बिन पे आऊंगा तो देखिए यहां पे भी ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको यहीं के यहीं दिखाएगा। विच मीन्स कि ये जितनी भी प्रॉपर्टी हैं जो आपने इंपोर्ट करी है, ये हमेशा आपके DaVinci Resolve के साथ ही रहेंगी, इसके अंदर ही रहेंगी। आपको ये चीज़ें बार बार इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी सारा टाइम आपका बच सकता है। देखा आपने पावर बिन हमारे लिए कितने चमत्कारी हो सकते हैं, राइट? अगर आपका कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करें और मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे यहाँ फॉलो करके अपने सवाल DM भी कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाला DM या डायरेक्ट मैसेजिंग वाला DM, और मैं बहुत ही जल्दी रिप्लाई करने की वहाँ पर भी कोशिश करूँगा। और गाइस, आज के लिए बहुत हो गया, मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ आपको अगला वीडियो लेके। तब तक आप इंजॉय करिए, हैव फन एंड बी सेफ। बाय बाय, जय हिंद।